यूपी पुलिस का एक बार फिर भ्रष्ट चेहरा सामने आया है, जिसके बाद अधिकारी हरकत में आ गए हैं। जांच के नाम पर पैसे लेने वाले एक दरोगा का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने दरोगा को सस्पेंड करते हुए मामले की जांच सीओ लहरपुर को सौंप दी है। मामला लहरपुर कोतवाली का है। यहां पर तैनात दरोगा राहुल शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दरोगा लोगों से जांच के नाम पर पैसे लेते हुए दिखाई दे रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीतापुर से महबूब अली जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी महबूब, क्या है ये पूरा मामला? जी मैडम, ये एक वीडियो वायरल हो रहा था व्हाट्सएप पे। जी लहरपुर के एक दरोगा है जी, सब इंस्पेक्टर राहुल शर्मा जी का वीडियो वायरल हो रहा था कि उन्होंने जो है रिश्वत लेते हुए कोई मारपीट का जो है मामला था, उसको रफा दफा करने के लिए उन्होंने कुछ पैसे लिए थे जी। महबूब, इस मामले के बाद उनके जो ऊंचे अधिकारी हैं, उन्होंने क्या कार्रवाई की है उच्च अधिकारियों ने? जी मैं बताना चाहूंगा मैडम जी, कि उन्होंने बताया, मेरी स्टाफ से बात हुई थी, सर ने बताया कि ये वीडियो उनके संज्ञान में था, तो उन्होंने ये कहा है कि इस पे जो है जो मतलब क्षेत्र अधिकारी को जो है इसको जज के लिए दिया गया है मैडम जी। और मैं बताना चाहूंगा कि तब तक के लिए राहुल शर्मा जी को सस्पेंड किया जाता है और उसकी जांच की जा रही है। इस तरह के पहले भी मामले देखने को मिले हैं कि इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों के सामने चेहरे आए हैं, फिर भी जो है प्रशासन जो है मौन है, इस तरह के अधिकारियों को अभी तक रखे बैठा है। जी मैडम जी, मैं बताना चाहूंगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर कैसे काम होगा और कैसे ये समाज आगे बढ़ पाएगा जी। आपको लगता है कि कार्यवाही होगी और इसके बाद कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा? जी मैडम जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो है एसपी साहब ने ये आश्वासन दिया है कि उस पर जो है जांच चल रही है और बाकी तब तक के लिए राहुल शर्मा को जो है सस्पेंड किया गया है और बाकी जांच जारी है जी। ये वीडियो कितना पुराना है और कब तक इनके संज्ञान में आया है वीडियो? जी मैडम जी, मैं बताना चाहूंगा ये वीडियो जो है बस 2-4 दिनों का होगा जी। शुक्रिया महबूब, तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए।